राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। फॉर्मूले के लागू होने के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासत दिखाई दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इस योजना को पटरी से उतारने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल के विज्ञापन समेत कई और पहलुओं पर निशाना साध रही है। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए चलाई गई ऑड इवन योजना एक बार फिर लागू की गई। 15 अप्रैल से शुरू हुई ये योजना 30 अप्रैल तक चलेगी, लेकिन ऑड इवन योजना पार्ट टू के लागू होते ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आगे अड़चने भी आने लगी हैं। इस योजना के पहले दिन जहां मेट्रो सेवाओं ने लोगों को परेशान किया, तो वहीं सोमवार को दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑटो टैक्सी के एक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के सामने असली चुनौती ऑड इवन फॉर्मूले के लिए सोमवार को होगी, क्योंकि इस दिन कई दिनों की छुट्टियों के बाद स्कूल और ऑफिस खुलेंगे। ऐसे में केजरीवाल सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी में जुट गई है, लेकिन इसके साथ सियासी पारा भी चढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हड़ताल को बीजेपी की साजिश करार दिया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ऑड इवन को असफल करने की कोशिश में जुट गई है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी लोगों से ऑड इवन नियम को तोड़ने की अपील कर रही है। बीजेपी की ऑटो यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। बीजेपी चाहती है कि ऑड इवन फेल हो जाए, लेकिन दिल्ली बीजेपी को फेल करेगी। ऑड इवन फॉर्मूले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कार वाले सबको मिलकर दिल्ली के ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों की समस्या को हल करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ये कोई मेरे घर की या अरविंद केजरीवाल के घर की समस्या थोड़ी है, खाली ये तो सबकी समस्या है, तो सबको एक साथ आना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। असल में बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ऑड इवन फॉर्मूले के सहारे अपना प्रचार कर रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस फॉर्मूले का विरोध नहीं कर रही, बल्कि केजरीवाल के प्रचार स्टंट के विरोध में है। केजरीवाल सरकार ने जो ऑड इवन की योजना ला रहे हैं, उसमें उन्हें प्रदूषण की और ट्रैफिक जैम की चिंता कम है। उनकी सारी चिंता जो है किस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे से पूरे देश के अंदर अपना प्रचार करें, इसलिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन्होंने गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ के अंदर, अखबारों के अंदर, समाचार पत्र में, एफएम रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर दे दिए हैं, जो दिल्ली में नहीं बाहर भी दिखाई जा रहे हैं जाके। वो सारा जनता का टैक्स का पैसा है। हमारा विरोध इसलिए है कि आप जनता के पैसे को क्यों लुटा रहे हो। अब सवाल यह उठता है कि हम ऑड इवन के पक्ष में है विपक्ष में है जी। हमारा सीधा सा कहना है दिल्ली में प्रदूषण कम हो और ट्रैफिक जैम ना हो, हम इसके पक्ष में हैं, पर ऑड इवन के नाम पे लूट की जाए उसके हम पक्ष के अंदर नहीं है। ऑड इवन फॉर्मूले के बहाने एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन सियासी लड़ाई के बीच शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल चलाते नजर आए। दरअसल मनीष सिसोदिया की गाड़ी ऑड नंबर है, और ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर इवन नंबर की गाड़ियों के चलने की बारी थी, लिहाजा सिसोदिया ने साइकिल चलाकर लोगों से ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करने का संदेश देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।